हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग चलिए सीखते हैं। हम आज आप लोग को एमएस वर्ड में कैश मेमो का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे कोई कॉस्मेटिक या मेडिकल या जनरल स्टोर हो, उसके लिए हम लोग कैश मेमो बनाते हैं, कैश मेमो, तो उसको कैसे डिजाइन करते हैं एमएस वर्ड में। तो चलिए आज हम आप लोग को बताएंगे एमएस वर्ड में कैश मेमो डिजाइन करके उसका फॉर्मेट हम लोग कैसे बनाते हैं एमएस वर्ड में। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो चलिए आप मेरे वीडियो पे बने रहिए। देखिए दोस्तों, तो हम आ गए अपना कंप्यूटर का स्क्रीन पे। देखिए एमएस वर्ड खोल के मैं रखा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये एमएस वर्ड मेरा ऑलरेडी खुला हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये पेज पैराग्राफ इसको थोड़ा अलाइनमेंट करेंगे। पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे ओरिएंटेशन में जा करके लैंडस्केप करेंगे, मार्जिंग में जा करके यहाँ से नैरो करेंगे, ठीक है। नेरो करने के बाद देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल बनाएंगे, देखिए टेबल बनाने के लिए देखिए इंसर्ट टैब में जाएंगे, और देखिए यहाँ पे टेबल है, तो यहाँ पे जितना भी आप लोगों को टेबल लेना है, देखिए 3, 4, 5, 6, 7 में बॉक्स ले रहा हूँ फिलहाल, 7 लेंगे विड्थ में, और लैंडस्केप में लेंगे देखिए 3, 4, 5 लेंगे, ठीक है। और देखिए 5 लेने के बाद सबसे पहले देखिए ये जो टेबल बना हुआ है, ये माउस का कर्सर ले जाएंगे सीधा ये लाइनिंग पे, देखिए ये सीधा नीचे इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है। और इसको देखिए एक साथ में सिलेक्ट करेंगे, और सीधा एक साथ में सिलेक्ट करने के बाद लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद देखिए मार्जिन सेंटर है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये मार्जिन सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऊपर में सबसे पहले ये कॉर्नर में लिख देंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे, मेन हेडिंग डाल देंगे, जो भी आपका मेडिकल या जनरल स्टोर है। तो फिलहाल मैं मेडिकल का डाल दे रहा हूँ, मेडिकल एंड जनरल स्टोर, जनरल स्टोर डाल दिए, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे और सीधा देखिए यहाँ पे लिख देंगे केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, और उसके बाद फिर इंटर करें प्रेस करेंगे, और सीधा यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है, से हम अपना एड्रेस रोड नंबर दे दे रहे हैं, NSH 29 महाराज गंज रोड सीवान। उसके बाद यहाँ पे हम मोबाइल नंबर दे देंगे सीवान, यहाँ पे पिन कोड डालेंगे सबसे पहले, ठीक है, 84 12 38। उसके बाद पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे हम मोबाइल नंबर देंगे, ठीक है, MOB मोबाइल नंबर सेमीकोलन देंगे। यहाँ पे जो भी आपका नंबर है, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर आप दे देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एक साथ में ये सिलेक्ट करेंगे सारे को, ये जो जितना आप टेक्स्ट लिखे हुए हैं सबको एक साथ में माउस के सहारे से सिलेक्ट करेंगे, और सीधा होम टैब में जाएंगे, यहाँ से इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है, थोड़ा बढ़ा देंगे, देखिए यहाँ पे इतना बढ़ाएंगे सबको एक साथ में। उसके बाद मेडिकल एंड जनरल स्टोर को, ये मेरा मेन हेडिंग है हम लोग का, ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा इसका फॉन्ट ज़्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए ये फॉन्ट ज़्यादा बढ़ा दिए, इसको इतना बढ़ा दिए, ठीक है फिलहाल। उसके बाद Ctrl+B से बोल्ड कर दिए, और उसके बाद देखिए ये एक साथ में सिलेक्ट किए और लेआउट में गए, लेआउट में जाने के बाद, लेआउट में नहीं देखिए होम टैब में जाएंगे, और यहाँ से ये सेंटर में कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मेडिकल एंड जनरल स्टोर ये ऑलरेडी सेट हो गया, ठीक है, तो ये सेंटर में आ गया मेन हेडिंग। तो देखिए ये मेडिकल एंड जनरल स्टोर को सिलेक्ट करेंगे एक साथ में, और इसको इसका फॉन्ट कलर हम चेंज करेंगे, ठीक है, फॉन्ट कलर रेड कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक हम लोग ड्रग का लाइसेंस नंबर यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखिए इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे इसमें लिखेंगे लाइसेंस नंबर, लाइसेंस नंबर लिखेंगे, ठीक है,
ट्रक्स का लाइसेंस नंबर देखिए, जैसे आप लिख सकते हैं, फिलहाल मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तो 126/66-2/2023 ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ऑलरेडी आप लोग को एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये ड्रग्स नंबर हो गया, लाइसेंस नंबर, और ये देखिए इसको हम एक साथ में थोड़ा सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी से बोल्ड कर देंगे। इसका भी थोड़ा सा फॉन्ट हल्का बढ़ाएंगे क्योंकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। इसका भी कलर हम ले लेंगे, रेड कलर ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा इसको कलर रेड ले लेंगे, इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, और देखिए यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, देखिए। और ये जो आउटलाइन है ना, जो आप देखिए यहाँ पे बॉक्स बन गया, तो ये आउटलाइन हटा देंगे, फॉर्मेट टैब में जाएंगे, यहाँ पे शेप आउटलाइन में जाएंगे, नो आउटलाइन कर देंगे, ठीक है। और इसी को सीधा पकड़ेंगे, ये कर्सर माउस कंट्रोल्स क्लिक करके रखेंगे और माउस के सहारे सीधा लेकर सीधा इधर आ जाएंगे इस साइड में, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसमें GST नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम GST नंबर, ठीक है। GST नंबर आपका जो भी है, जैसे ABCD 1 2 3 4, आपका जो भी है GST नंबर यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे GST नंबर दे देंगे, देखिए ऑलरेडी ये GST नंबर भी हो गया। देखिए ये GST नंबर यहाँ पे हो गया, थोड़ा इसको साइड में ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए GST नंबर हो गया, उसके बाद GST नंबर होने के बाद देखिए यहाँ पे कैश मेमो लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए हम इसी को, ये बॉक्स को सीधा पकड़ेंगे, नीचे यहाँ पे कंट्रोल के साथ नीचे लेके आएंगे, ठीक है, इधर ला देंगे यहाँ पे, देखिए। और इसमें लिख देंगे हम कैश मेमो, ठीक है, कैश मेमो लिखेंगे, और इसका साइज यही रहेगा, और इसको पकड़ेंगे सीधा ला के इधर साइड में कर देंगे, यहाँ पे अपने हिसाब से मिला देंगे। देखिए यहाँ पे हम, देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा हम दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे दे दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैश मेमो हो गया, उसके बाद कैश मेमो हम लोग का हो गया, और देखिए एक साथ में सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसका कलर दे देंगे हम, देखिए ये जितना भी फॉन्ट है इसको एक साथ में सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट टैब में जाएंगे, शेप फिल में जाके यहाँ पे इसका कलर दे देंगे, ये वाला कलर दे देंगे, नहीं तो यही कलर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जा करके ये हम लोग टेक्स्ट का कलर वाइट कर देंगे, ठीक है, टेक्स्ट का कलर वाइट कर देंगे और ये दे देंगे, और यहाँ से कंट्रोल भी कर देंगे, थोड़ा टेक्स्ट बढ़ाएंगे तो थोड़ा टेक्स का ये बढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए ऑलरेडी ये हो गया, और इसका सिंबल थोड़ा इसका भी हम लोग ये करेंगे, देखिए आप ऑलरेडी हम लोग का ये कैश मेमो का देखिए यहाँ पे हम लोगों लगा दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे ये फाइनली ये हो गया, ठीक है। अगर आप लोग को ये कलर नहीं चाहिए तो आप लोग ये हटा सकते हैं, सेफ आउटलाइन में आप लोग यहाँ से वाइट कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, वाइट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से होम टैब में जाके फॉन्ट का कलर ब्लैक कर देंगे, ब्लैक नहीं रेड ले लेंगे, ठीक है। ये मेरा कैश मेमो यहाँ पे ऑलरेडी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सीधा नीचे में देखिए एक कलम और पकड़ेंगे, इसको सीधा नीचे ड्रैग करेंगे, ठीक है, इसका थोड़ा विड्थ बढ़ाएंगे, और इसको देखिए 1 2 3 4 सेल लेंगे, उसके बाद इस पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे इसको भी मार्जिन कर देंगे, ठीक है, मार्जिन सेल कर देंगे, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम यहाँ पे नेम लिखेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे
डी आर, ठीक है, सेमी कलन। उसके बाद ये जो बॉक्स है तीन सेल बचा हुआ, इसको भी देखिए लेआउट में जाएंगे, यहाँ से मार्जिन सेल कर देंगे, ठीक है। इसमें भी लिखेंगे हम यहाँ पे इनवॉइस, इनवॉइस नंबर, ठीक है, इसमें इनवॉइस नंबर इंटर प्रेस करेंगे, नीचे आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे डेट और यहाँ पे सेमी कलन, ठीक है, डेट लिख देंगे। देखिए इसको थोड़ा हम लोग इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेंगे क्योंकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए ये तो मेरा इनवॉइस हो गया, इसको भी थोड़ा हम बोल्ड करेंगे और इसको भी टेक्स्ट थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है, ये दोनों का। ये देखिए एक साथ में सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बोल्ड भी करेंगे, बोल्ड करेंगे उसको, इसका भी फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये इनवॉइस हो गया, ठीक है, इनवॉइस नंबर हो गया यहाँ पे, ये डेट हो गया, ठीक है। और इसका विड्थ हम लोग थोड़ा यहाँ पे होम टैब में जाएंगे और इसका हम लोग विड्थ थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। देखिए ये 1.5 कर देंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा स्पेसिंग हो गया यहाँ पे लिखने के लिए, ओके। उसके बाद देखिए ये जो नीचे वाला जो ये सेल है ना, इसमें देखिए हम यहाँ पे उसके नीचे वाला पकड़ेंगे या सीधा लेके नीचे चले आएंगे, ठीक है, इतना पिला के रख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें देखिए ये नीचे वाला जो है ना, एक को छोड़ करके ये दूसरा को पकड़ेंगे और सीधा नीचे लेके चले आएंगे, ठीक है, इतना पे ला करके छोड़ देंगे। एक ये मेरा ये टेबल बच गया, ठीक है। इसमें यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे देखिए क्वांटिटी डाल देंगे, ठीक है, क्वांटिटी डालेंगे। उसके बगल वाला टैप बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए पैकिंग नंबर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे उसके बगल वाला सेल में जाएंगे, यहाँ पे डाल देंगे एम एफ जी नंबर डालेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पार्टिकुलर्स डाल देंगे। उसके बाद देखिए फिर दूसरा सेल में जाएंगे और इसमें हम लोग डालेंगे बैच डाल देंगे। उसके बाद उसके बगल में देखिए एक्सपायर डेट डालेंगे, उसके बाद अमाउंट डाल देंगे, ठीक है, अमाउंट। तो ये फाइनली हेडिंग हो गया, थोड़ा इसको अलाइनमेंट करेंगे हम, थोड़ा ये इसको डिजाइन करेंगे। तो देखिए ये सबसे पहले ऊपर में देखिए ये जो सेल है ना, इसको पकड़ेंगे सीधा, क्वांटिटी वाला थोड़ा सा छोटा कर देंगे। उसके बाद पैकिंग वाला भी इसमें भी थोड़ा वर्ड कम जाएगा, इसको भी छोटा करेंगे। एम एफ जी वाला को भी थोड़ा छोटा कर देंगे अपने हिसाब से। पार्टिकुलर देखिए यहाँ पे नरेशन डालना होता है, इसको ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है इसलिए। और अमाउंट वाला भी छोटा करेंगे, इतना करेंगे। उसके बाद ये जो है एक्सपायरी डेट वाला, इसको भी अपने हिसाब से सेट कर लेंगे और बैच नंबर को भी छोटा कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट को बढ़ा देंगे, ठीक है। और देखिए उसके बाद देखिए ये मेरा सब इधर उधर हो गया, तो देखिए ये पार्टिकुलर वाला सेल को पकड़ के और सीधा इसको बढ़ा देंगे, तो फिर वो अपना जहाँ पे था हम लोग का ऑलरेडी ये सेट हो गया, ठीक है। तो देखिए ऑलरेडी ये मेरा ऑलरेडी ऊपर का जो हेडिंग है वो मेरा हेडिंग हो गया, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये मेडिकल एंड जनरल स्टोर हो गया, GST नंबर हो गया, ड्रग लाइसेंस नंबर हो गया, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे ये एड्रेस हो गया, यहाँ पे कैश मेमो हो गया, ये कैश मेमो है, देखिए नेम हो गया, ये डॉक्टर का नेम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बिल इनवॉइस नंबर हो गया, डेट हो गया, ठीक है। और क्वांटिटी पैकिंग एम एफ जी नंबर हो गया, पार्टिकुलर्स में हो गया, जो भी यहाँ पे आपका सामान जो भी दवा जा रहा है या कुछ भी जा रहा है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद बैच नंबर हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया, अमाउंट हो गया, ठीक है। उसके बाद सीधा नीचे आएंगे, देखें यहाँ पे एक हम लोग को कलम ड्रॉ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक इंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक
एक कलम ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, ये सबसे पहले ये पकड़ेंगे, एक साथ में सिलेक्ट करेंगे सारे को, एक लास्ट में अमाउंट वाला छोड़ के इस लेआउट में जाएंगे, मार्जिन सेल, मार्जिन सेल करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनवर्ड लिख देंगे, सबसे पहले अमाउंट इनवर्ड में लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो भी, तो आप लोग देख सकते हैं होम टैब में जाके यहाँ पे इसका थोड़ा फॉन्ट हम बढ़ा देंगे, ठीक है। इसका फॉन्ट बढ़ाने के बाद देखिए सबसे पहले इधर जाएंगे, देखिए टैब बटन नहीं देखिए यहाँ से स्पेस क्लिक करेंगे, सीधा चले आएंगे साइड में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम आर एस, उसके बाद टोटल लिख देंगे, ठीक है, टोटल आर एस टोटल लिख देंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्पेस के साथ में जाएंगे, यहाँ पे साइड में ले लेंगे अमाउंट के पास में, थोड़ा देखिए स्पेस ज़्यादा हो गया, तो देखिए ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। तो देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें एक काम छूटा हुआ, देखिए ये जो इतना भी हेडिंग है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग इसका विड्थ थोड़ा बढ़ाएंगे और इसको बोल्ड कर देंगे, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, इसको भी फॉन्ट साइज बड़ा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको भी हम लोग यहाँ से सेंटर करेंगे, लेआउट में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सेंटर करने के बाद लेआउट में जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे मिडिल में कर देंगे, ठीक है, अलाइनमेंट में जाके मिडिल में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एक साथ में सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे देखिए एक साथ में इसको सिलेक्ट करेंगे, हम लोग को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डालना है, ठीक है। उसके बाद लेआउट में नहीं, डिजाइन में जाएंगे, उसके बाद देखिए ये सेंडिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी कलर आप उसमें डालना चाहते हैं, यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो भी आप कलर लेना चाहते हैं आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिलहाल मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। ये कलर अप्लाई कर दिया, देखिए ये मेरा ऑलरेडी हेडिंग पे कलर अप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे में भी हम कलर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। कलर जाएंगे सेम, वो डिजाइन में जाएंगे, ये सेंडिंग में जाएंगे, सेम लेना चाहते हैं सेम कलर ले सकते हैं, अलग लेना चाहते हैं अलग ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम सेम कलर ले लिए, ठीक है। उसके बाद इसका थोड़ा सा हम जो ये मेरा देखिए एक कर्सर नीचे जा रहा है, इसके लिए इसको थोड़ा हम कम करेंगे, ठीक है। इसका अलाइनमेंट करेंगे, देखिए ये मेरा एक सीट पे आ गया, ठीक है, ये मेरा एक सीट पे आ गया। थोड़ा सा इसको और थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को नीचे में कुछ हेडिंग ये नोट्स डालना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये मैं ऑलरेडी मैं ये आ गया, मेरा एक सीट पे आ गया, देखिए। और दोस्तों हम ऑलरेडी आप लोग को दिखा दिए, ठीक है। उसके बाद लेआउट में जाकर यहाँ से देखिए इसको भी थोड़ा सा हम लोग सेंटर कर देंगे, थोड़ा ये देखिए ये मेरा ऑलरेडी क्लियर हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये जितना भी है ये यहाँ तक ये चारों सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मार्जिन सेल कर देंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा हम ये बॉक्स को थोड़ा हमको इसमें लिखना है, थोड़ा नीचे कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा जगह मेरे को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नोट्स लिख देंगे, जो भी अगर नोट जो भी आपका सेमीकोलन देंगे, यहाँ पे जो भी आपका मतलब फॉर्मेलिटी है, रूल्स है, नियम है और रेगुलेशन है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे
देखिए आपका जो भी अगर आप लोग का नियम रूल्स रेगुलेशन है जो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम ऑलरेडी देखिए यहाँ पे लिख दिए नोट जो भी हमारा है यहाँ पे। देखिए इसको थोड़ा हम होम टैब में जाएंगे, यहाँ से फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल पी से बोल्ड कर देंगे और इसको भी कलर रेड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नोट ऑल डिस्ट्रीब्यूट सब्जेक्ट टू सिटी जस्टिफिकेशन ओनली, मेडिसिन विदाउट बैच नंबर विल नॉट टू टेकन बैक, प्लीज़ कंसल्ट डॉक्टर बिफोर यूजिंग एक्सपायरी डेट एंड क्वांटिटी। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ये नोट्स डाल दिए हैं। तो और यहाँ पे बगल में डाल देंगे, देखिए यहाँ पे एक साथ में ये तीनों सेल को सिलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे मर्ज एंड सेंड सेल पे क्लिक करेंगे, इसमें लिख देंगे हम यहाँ पे फोर सेमी कलन मेडिकल एंड जनरल स्टोर, ठीक है। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे ऑथराइज सिग्नेचर लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए ये ऑलरेडी मेरा ऑथराइज सिग्नेचर हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसमें इसको हम सेंटर करेंगे, ठीक है, एक साथ में सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी करेंगे, इस यहाँ पे देखिए जाके यहाँ पे सेंटर कर देंगे, ठीक है, सेंटर में कर देंगे। उसके बाद होम टैब में जाएंगे, ये फॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देंगे, ये फॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे। फॉन्ट साइज़ बढ़ाने के बाद देखिए थोड़ा सा ये हो रहा है, तो देखिए नीचे ले लेंगे और मेडिकल एंड जनरल, ये फॉन्ट साइज़ बढ़ाने के बाद देखिए ये नीचे थोड़ा इसको छोटी करेंगे, ठीक है, अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक साथ सिलेक्ट करेंगे इसका फॉन्ट साइज़, फॉन्ट कलर चेंज कर देंगे, रेड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी मेरा रेडी हो गया है। और देखिए ये फॉर मेडिकल एंड जनरल स्टोर ऑथराइज सिग्नेचर, जो भी मतलब वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ पे जो भी सुपरवाइज़र है, जो वो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए यहाँ पे उसका सिग्नेचर हो जाएगा। उसके बाद उसका ये जो नोट्स है वो हो जाएगा, यहाँ पे जो भी अमाउंट है। तो ये देखिए दोस्तों आप लोग, ये कैश मेमो मेरा ऑलरेडी रेडी हो गया। तो आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जानकारी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग से ये उम्मीद है कि प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो को देखिए, फुल वॉच कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इससे और अच्छा जानकारी आप लोग को दे सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।